वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज 24/7। आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ पैक्ट विद द सन, जो NCERT की बुक है। उसमें एक चैप्टर है द फ्रेंडली मंगूस, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस? फार्मर ने बेबी मंगूस को घर क्यों लाया? एंड द आंसर इज, द फार्मर वॉन्टेड टू गिव अ कंपेनियन फॉर हिज लिटिल चाइल्ड। फार्मर अपने बच्चे के लिए एक दोस्त ढूंढ रहा था। सो ही ब्रॉट अ बेबी मंगूस इनटू द हाउस, और इसलिए उसने उस बेबी मंगूस को अपने घर लाया। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस? फार्मर की वाइफ बेबी को मंगूस के साथ अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? एंड द आंसर इज, मंगूस कैन बी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। मंगूस चाइल्ड के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो द फार्मर्स वाइफ वॉज अफ्रेड, इसलिए फार्मर की वाइफ डरती थी और वो डर रही थी। एंड इट नॉट वॉन्टेड टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूस, और इसलिए यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को मंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर? फार्मर ने अपने वाइफ के फियर या डर को देखते हुए क्या कमेंट किया, क्या कहा? एंड द आंसर इज़, लुकिंग टू हिज वाइफ्स फियर्स द फार्मर कमेंटेड दैट मंगूस वॉज अ लवली एनिमल। अपनी वाइफ के फेयर को, डर को देखते हुए उसने उसे ये दिलासा दिलाया, उसने ये कमेंट किया कि मंगूस वो एक लवली एनिमल होता है। इट वाज एज स्वीट एज देयर ओन बेबी, और यह उनके बच्चे के जैसा ही स्वीट था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विद हर बास्केट? फार्मर की वाइफ ने मंगूस को अपने बास्केट से क्यों मारा? And the answer is, the farmer's wife thought that mongoose killed her baby. Farmer की wife को लगा कि mongoose ने उसके baby को, उसके बच्चे को मार डाला है. So in anger she hit the mongoose with her basket. इसीलिए गुस्से में आकर उसने उस mongoose को basket से मार डाला. The next question is, did she repent her hasty action? How does she show her repentance? क्या उसे अपने किए कराए पे दुख था और क्या उसने पश्चाताप किया? The answer is, when she saw the dead snake in her house, she felt sorry and repented for her hasty action by crying and saying what she has done. जब उसने अंदर मरे हुए सांप को देखा तब उसे पश्चाताप हुआ और वह रोने लगी और वह अपने किए कराए को दोहराते हुए पश्चाताप करने लगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द फ्रेंडली मंगूस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।